नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा वैदिक सभ्यता का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे वो कंप्लीट हो गया है, और जो अब क्वेश्चन रह गए हैं कुछ एमसीक्यूज, अब हम लोग सेकंड पार्ट में करने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार सबसे पहले तो अब हम किस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों, देख लीजिए। अब वैदिक काल का सेकंड पार्ट है हमारे पास, और सेकंड पार्ट में जो एमसीक्यूज होंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसके बाद जो लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो जल्दी से जुड़ जाइएगा, इसके बाद इंस्टाग्राम से भी जुड़िएगा, फेसबुक आईडी के माध्यम से भी जुड़िएगा हमसे, और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर पर अभी सर्च नहीं किया जल्दी से सर्च कर लीजिए। इसी नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, जिसमें यूपी लेखपाल, पुलिस भर्ती जैसी जो है तैयारी कराई जा रही है, एमसीक्यूज कराया जा रहा है, वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करिए आप लोग, और ये हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं वीरज सर जी, ठीक है। और आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तक की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप लोग जो है यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम से जुड़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ते रहिएगा, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से सारे अपडेट्स आपको क्लियर होते रहेंगे, कौन सा वीडियो कब डाला जाएगा, ठीक है ना। तो लेवल हमारा सारे एग्जाम की तैयारी करने के लिए एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो केवल पुलिस के लिए, नहीं, आप सारे एग्जाम की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एमसीक्यूज के माध्यम से आप डिस्कस कर सकते हैं, और सही समय पर सही सफलता और एग्जाम को क्रैक करने में आपको सफलता मिल सकती है हमारे एमसीक्यूज के माध्यम से भी दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निस्क, देखिए ये यूपी पीजीटी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, निस्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसमें पहला ऑप्शन है विनिमय की इकाई के लिए, आभूषण ज्वेलरी के लिए, मेटल के लिए, ये आप सभी, ये सभी तो चार ऑप्शन है आपके सामने, वो चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो जल्दी से बताइए, तो आपको हम बताने वाले हैं कि ये एक जो है विनिमय प्रणाली के रूप में भी प्रयोग होता था, ज्वेलरी के रूप में भी, एक सोने का टुकड़ा था ये, और धातु के रूप में भी ये प्रयोग होता था, क्योंकि सोना एक धातु है, और ये सभी, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सभी सही होगा दोस्तों। ये बिल्कुल आप दिमाग में डाल लीजिए। तो निस्क क्या है, तो आपको मालूम हो गया कि निस्क का प्रयोग विनिमय की इकाई के रूप में, आभूषण के रूप में, धातु के रूप में, और ये सभी के रूप में आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रकार क्या क्या था, सोने का टुकड़ा था दोस्तों, सोने का क्या था, टुकड़ा था, समझ गए होंगे आप लोग, सोने का टुकड़ा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सिंधु नदी के तट पर, दूसरा रावी नदी के तट पर, तीसरा परुषनी नदी के तट पर, और चौथा सरस्वती नदी के तट पर। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है दोस्तों। अब हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरा ऑप्शन सही है, परुषनी नदी, जो आज हम लोग रावी नदी जानते हैं, रावी नदी वर्तमान समय में इस नदी को क्या जानते हैं हम लोग, रावी नदी के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध राजा सुदास थे, और 10 जनों के बीच लड़ा गया था दोस्तों, 10 जन थे, और 10 जन में 5 आर्य थे जो गोरे थे, और 5 अनार्य थे जो काले थे दोस्तों, समझ गए। और इसमें जीत किसकी हुई थी, राजा सुदास विजय हुए थे, ठीक है, राजा सुदास विजय हुए थे दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये सरस्वती नदी इस पीरियड की क्या थी, पवित्र नदी थी दोस्तों, क्या थी, पवित्र नदी थी, समझ गए ना। और रावी नदी के तट पर दोस्तों, देखिए विकल्प दोनों एक ही नाम दे दिया गया है, रावी नदी और परशुनी नदी दोनों एक ही नाम है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, मगर यहाँ पर कोई दूसरी नदी लिख लेते हैं हम लोग, गंगा नदी,
ठीक है, कंफ्यूजन मत होना दोस्तों, गलती हो गई है, इस पर विशेष ध्यान हम लोग नहीं देंगे। इसे ऑप्शन दोनों रख दिए गए हैं, वर्तमान समय की नदी के रूप में रावी नदी का नाम दे दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो इस ऑप्शन में सी सही है, मगर हमने बी को सही करके रावी की जगह गंगा नदी कर दिया है। इस प्रकार अब बात आती है गंगा नदी का, आपको मालूम है एक बार उल्लेख किया गया है, कितनी बार, एक बार उल्लेख किया गया है, और सिंधु नदी इस पीरियड की महत्वपूर्ण नदी थी दोस्तों। क्या थी, महत्वपूर्ण नदी। और आपको बता दें कि सिंधु नदी को आर्य लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे, महासागर बोलते थे दोस्तों, महासागर बोलते थे, समझ गए ना, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं जल्दी से कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी, तो जन्मजात पर, व्यवसाय पर, योग्यता पर, ये सभी, ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए किस पर आधारित थी ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों। जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और फिर बताइए, फिर हम आपको क्लियर करते हैं इसके बारे में जानकारी। तो वैदिक सभ्यता में चार ऑप्शन में आपको बता दे कि जो पहली थी ऋग्वैदिक काल, वो व्यवसाय पर आधारित थी दोस्तों, किस पर। तो ऋग्वैदिक काल एक पीरियड किस में विभक्त हो जाता है, ऋग्वैदिक काल में, और दूसरा किस में हो जाता है, उत्तर वैदिक काल में। तो आपको हम बता दें कि उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित, जन्म आधारित हो गई थी व्यवस्था, जन्म आधारित मतलब जिस कुल में आपका जन्म होगा, जो काम किया जाएगा वो काम आप भी करेंगे। मगर ऋग्वैदिक काल में क्या था, एक व्यवसाय था, सारे लोग एक ही फैमिली में रहते थे और अलग अलग व्यापार करते थे, और उसी आधार पर उनकी क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था को गिना जाता था। परंतु अब एक ही परिवार में जन्मा व्यक्ति, मतलब गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हो गया था, तो जिस कुल में वो व्यक्ति जन्म लेगा उसी आधार पर उसको सारे काम दिए जाएंगे, और अलग अलग काम एक ही परिवार में लोग नहीं करेंगे दोस्तों, समझ गए ना मेरी बात को। तो इस प्रकार हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, तो ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो ये चार ऑप्शन है, ग्राम, दूसरा है बीस, तीसरा है जन, चौथा है कुल या परिवार। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन में आपका जो सही हो रहा है वो ए नंबर सही होगा दोस्तों, ग्राम, ग्राम, ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई थी। तो पहले क्या था, ग्राम, ठीक है, फिर ग्रामों से मिलकर क्या बना, बीस, ठीक है, बीस से क्या मिलकर बना, जन, जन से क्या मिलकर बना दोस्तों, जनपद, समझ गए होंगे, कई सारे ग्रामों को जोड़ करके बीस बना, कई सारे बीस को जोड़ करके जन बना, और कई सारे जनों को जोड़कर जनपद बना, और इसके बाद जनपद का स्थान लिया महाजनपद, महाजनपद ने स्थान ले लिया, समझ गए। तो ग्राम से विष बना, विष से जन बना, ठीक है, और कुल या परिवार, कुल या परिवार। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन नहीं सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन में कुल या परिवार दिया है दोस्तों। देखिए ये मिस्टेक हो गई है, हमने ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में कि ग्राम, विष और जन, कुल या परिवार में सबसे छोटी जो इकाई होगी वो कुल या परिवार, मतलब पहली होगी कुल, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, कुल या परिवार, कुल या परिवार, कुल या परिवार मिलकर ही ग्राम का निर्माण करेंगे, इसलिए सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होगी दोस्तों। अब तो आपको कंफर्म हो गया होगा, इसमें मिस्टेक हो गई हमसे, कोई बात नहीं, ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। और आगे चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में हिमालय की चोटी का उल्लेख मिलता है, उसका क्या नाम था, क्या नाम था। तो पहला ऑप्शन भुंजवर्त, दूसरा मूजवर्त, और आर्यवर्त, और चौथा ये सभी, ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो मूंजवर्त
सही होगा दोस्तों, इसमें बिंदी लगा लीजिएगा, मूंजवर्द सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, मूंजवर्द सही होगा दोस्तों, क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद में राजन शब्द से क्या आशय। राजन पहला ऑप्शन परिवार के मुखिया से, दूसरा जनजाति नेता से, तीसरा सेनानी से, चौथा शुद्ध रक्त वाले आर से। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास और जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा, बी नंबर। जनजाति नेता था राजन, राजन मतलब होता है राजा, राजा को ही क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। और राजन में एक शब्द और प्रयोग हुआ गोपा, गोपा भी राजा को ही कहा जाता था दोस्तों, राजा गोपा को ही कहा जाता था। इस प्रकार हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन पर। और सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल में एक नियोग प्रथा थी दोस्तों। तो नियोग प्रथा प्रचलित थी, आपको बता दे कि नियोग प्रथा पहला जानवर प्राप्ति के लिए, दूसरा पुत्र प्राप्ति के लिए, तीसरा देवताओं को प्रकट करने के लिए और इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है आपके पास और चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो आपको हम बताने वाले हैं कि नियोग प्रथा पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करनी पड़ती थी, ठीक है। तो आपको बता दें ये नियोग प्रथा क्या थी, नियोग प्रथा क्या थी, ठीक है। इसका मतलब था यदि परिवार में पुत्र प्राप्त नहीं होती तो अपने मतलब देवर से संबंध बनाने के उपरांत पुत्र प्राप्ति जो होती थी उसे नियोग प्रथा कहा जाता था, नियोग प्रथा कहा जाता था दोस्तों, नियोग प्रथा कहा जाता था। समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि जो ऋग्वैदिक समय था, ऋग्वैदिक समय में देवताओं से स्तुत जानतो किस लिए यहाँ के लोग करते थे, यार लोग देवताओं की स्तुति किस लिए करते थे, आपको पता है देवताओं की स्तुति ये लोग एक तो जानवरों की प्राप्ति के लिए करते थे, क्योंकि पशुपालन प्रारंभिक था इनका मुख्य व्यवसाय, और इसके बाद ये लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। तो पुत्र प्राप्ति के लिए ये जब कोई भी स्त्री के बच्चे नहीं होते तो वो देवर से संबंध बनाने के उपरांत ही पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। इसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपका सेवन नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हम लोग एट नंबर क्वेश्चन की तरफ। और एट नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है दोस्तों, आर्यों का प्रारंभिक व्यवसाय क्या था, आर्यों का प्रारंभिक व्यवसाय क्या था। पहला पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा व्यापार, चौथा शिकार। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आर्यों का जो प्रारंभिक व्यवसाय था वो दोस्तों जो है पशुपालन था। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, पशुपालन। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा है पशुपालन। और उत्तर वैदिक में आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल में क्या था, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि था, उत्तर वैदिक काल में कृषि था, बदल गया था, यहाँ कृषि और पशुपालन हो जाता है और यहाँ क्योंकि लोहे की खोज हो जाती है और यहाँ पर पशुपालन और कृषि रहता है, ठीक है, समझ गया ना। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूछता है तो आप क्या बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का भी कृषि था, क्या था, कृषि था। तो इस प्रकार आर्यों का जो प्रारंभिक व्यवसाय था वो पशुपालन था दोस्तों, ये चीज क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। और अगर आगे चलते हैं हम लोग नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे। और नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, ठीक है। पहला कृषि, दूसरा शिकार, तीसरा व्यापार, चौथा पशुपालन। ये चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बताइए जिन्होंने अपने जीवन आगे का जो पारिवारिक जो है परिवार चलाते थे वो किस रूप में परिवार चलाते थे, क्या निर्भर थे।
तो देखो पशुपालन, पशुपालन में तो ये लोग आगे थे, मगर कृषि व्यवस्था इनका जीविकापार्जन का साधन था दोस्तों, जीविकापार्जन का जो साधन था वो कृषि था, समझ गए होंगे, कृषि था, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 10 नंबर कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में वन व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी, वन व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी, तो पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 5, तो इसमें जो है ये चारों ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो 4 सही होगा दोस्तों, वन व्यवस्था। अब हम बात करते हैं वन व्यवस्था की, इसकी बात करते हैं वन व्यवस्था, तो देखिए वन जो व्यवस्था है, वन व्यवस्था का जो जिक्र है वो 10वां मंडल आप पढ़िएगा ऋग्वेद का, 10वां मंडल, और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त मतलब मानव के एक शरीर से चार भाग बताए गए, चार भाग ही वर्ण व्यवस्था का रूप है। पहला पहला मतलब हो गया आपका पुरोहित, पुरोहित ठीक है, दूसरा क्या है पुरोहित के बाद छत्री, छत्री, तीसरा क्या है वैश्य ठीक है, और चौथा क्या है शूद्र। आपको बता दें पुरोहित का संबंध जो है वो मुख से है, किससे, मुख से, छत्री का संबंध भुजाओं से है, भुजाओं से है, वैश्य का संबंध जांग से है, समझ गए होंगे आप लोग, जांग से है, और शूद्र का पैर से है, ठीक है ना, मतलब जो ज्ञान देगा वो पुरोहित कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा, जो सेव रक्षा करेगा हमारी जनों की वो क्षत्रिय राजा कहलाएगा, जो जांग से संबंध किसकी है वैश्य की, जो मजबूत होंगे वो कारीगर कहलाएंगे, क्राफ्ट्समैन कहलाएंगे दोस्तों, कारीगर कहलाएंगे ठीक है, कारीगर वैश्य के अंतर्गत, और शूद्र जो सारे तीनों वर्णों की सेवा करेगा ठीक है वो शूद्र कहलाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी, और जब उत्तर वैदिक काल आता है, पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, तो उस समय जो है वो क्या हो जाती है जन्मजात, बर्थ प्ले, बर्थ पर आधारित हो जाती है। तो इस प्रकार आप 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्तो मास सद्गमय कहां से लिया गया है, पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन सामवेद, चौथा ऑप्शन अर्थवेद, ये चारों वेद हैं, और चारों वेद ठीक है, चारों वेद है, और सबसे पहले वेद कौन रचा गया ऋग्वेद ठीक है, चारों ऑप्शन में जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें पहला सही होगा दोस्तों, पहला ऋग्वेद, क्या होगा ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है अस्तो मास सद्गमय कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, ये चार वेद हैं, समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है सांख दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, सांख दर्शन के प्रतिपादक ये पहले हैं गौतम, दूसरे हैं पतंजलि, तीसरे हैं, देखिए तीसरे में भी गौतम लिखा हुआ है, और चौथे हैं कपिल मुनि ठीक है। तो आपको बता दें कि सांख दर्शन के जो प्रतिपादक होंगे इन चारों में कपिल मुनि होंगे, कौन होंगे कपिल मुनि होंगे दोस्तों, कौन होंगे कपिल मुनि होंगे ठीक है ना, ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो रही होगी ठीक है। पतंजलि आपको मालूम है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, किसके हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, कौन पतंजलि, पतंजलि, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सांख दर्शन और एक जो है योग दर्शन, इनको रख ली दिमाग में बसा लीजिए दोस्तों, योग दर्शन और क्या कहते हैं सांख दर्शन ठीक है, सांख दर्शन, ये दोनों दर्शन सबसे ज्यादा पेपर में इनके प्रतिपादक पूछे जाते हैं ठीक है। तो ये बात आप लोगों तक पूरी तरीके से कंफर्म होगी, और जो गौतम जी हैं ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं, न्याय दर्शन, इनके अंदर न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं ठीक है। तो ये आपका डिस्कस 12 नंबर क्वेश्चन पर हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 13 नंबर उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं, पहला धर्म पर, दूसरा विधि पर, तीसरा दर्शन पर, चौथा योग पर, तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, और जल्दी से बताइए किस पर आधारित है दोस्तों, दर्शन पर। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 108, कुल कितनी है 108, और मुख कितने हैं दोस्तों मुख कितने हैं, मुख केवल 10 हैं, मुख केवल 10 है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई, कुल आपको जरूर याद रखो कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108 है, और मुख जो है, जो मुख
हैं वो कितनी है, 10 हैं। तो इस प्रकार ये 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वेदों के पुनर्गठन किसने किया, पहला शंकराचार्य, दूसरा पतंजलि, फिर वेदव्यास और मनु। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, अपने आंसर को जल्दी से पुष्ट कर लीजिए। तो आपको हम बताने वाले इसमें कौन सा सही होगा, वेदव्यास, जिसे हम लोग कहते थे कृष्ण द्वापायन, एक ये भी शब्द बोला जाता है, कृष्ण द्वापायन भी कहा जाता है इन्हीं को, वेदव्यास, ठीक है। और पतंजलि के कौन थे भैया, पतंजलि के कौन है, योग दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। और मनु सबसे प्राचीन देवता थे दोस्तों, सबसे प्राचीन देवता थे, प्राचीन देवता थे मनु, समझ गए ना, मनु सबसे प्राचीन देवता थे। शंकराचार्य भाष्य उन्होंने बहुत सारी भाष्य उन्होंने लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार ये 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यता किस पर विश्वास करती थी, पहला मूर्ति पर, दूसरा एकेश्वरवाद पर, तीसरा देवी पूजा पर, और चौथा प्रगति पूजा पर। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए किस पर वो लोग विश्वास करते थे ऋग्वैदिक काल पीरियड के लोग। तो आपको बता दें इसमें चौथा सही होगा, प्रगति पूजा पर, क्योंकि वो लोग यज्ञ जब संपन्न करते थे तो यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्ति और जानवर की प्राप्ति, जानवर की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, और प्रगति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इस प्रकार प्रगति पूजा करते थे वो लोग। मूर्ति पूजा का प्रचलन तो भैया गुप्त काल पीरियड में हुआ है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और सारे क्वेश्चन पूरे डिटेल के तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। जिसी प्रकार के अगर कोई डाउट्स आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी नहीं कंफर्म हुआ, वो सारे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछ सकते हैं हमें कमेंट करके कि क्वेश्चन हमें क्लियर अभी नहीं हुआ है, तो हम आपको फिर से एक बार रिपीटेड उसमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऐसा होगा, ठीक है ना। तो फिर जल्दी से जिन्होंने अभी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर करते रहिए, जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे संपर्क, जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगातार वीडियो को जो है भेजते रहिएगा, वो भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, जिनको काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है, आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब जिन्होंने अभी नहीं किया वो भी कर लें। तो इस प्रकार आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।